हादसा है उनका, और देखिए बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराहट के साथ इधर चल रहे हैं। एक बात बताइए, एक अफवाह उड़ रही है यहाँ पर, इस जगह पर लोग कह रहे हैं कि जो कर्मचारी है यहाँ पर, दुकानदार 10-20 रुपए देके अपना अपने पैसे पे खर्च कराते हैं या करते हैं, ऐसा कुछ है? हमें तो नहीं लगता, एक परसेंट भी ऐसा कुछ नहीं है ना, किसी से कोई मतलब नहीं, वो रिश्वत वाली बात नहीं है, मतलब कि कोई प्राइवेट रख के अपना खुद कर रहे हैं ऐसा कहना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, पूछ लीजिए जाके। नहीं आप कहेंगे, हमें आप जाके पूछिए कोई ऐसा कुछ है तो हम भी अभी उन लोगों से पूछते हैं सर, ठीक है? देखिए किसी अफवाह में आप लोग मत रहिए, कर्मचारी हैं, अभी तो रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से बंद है फिलहाल, ये सबको पता है क्योंकि अभी काम चल रहा है आगे की तरफ, है ना? और ये कर्मचारी हैं बहुत साल का, शायद आप बहुत साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग काम नहीं, बहुत नौकरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रहा है उससे, बढ़िया सब तक आ तक। चलिए ठीक है, ये कर्मचारी थे, इन्होंने पुष्टि कर दी ऐसा कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आइए हम तस्वीर दिखाते हैं सुदनीपुर के इस रेलवे क्रॉसिंग की, और यहाँ की रियलिटी बता रहे हैं, और पूरा स्पष्ट नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन जगह जगह जो रेलवे क्रॉसिंग का हिसाब किताब है वो रेलवे क्रॉसिंग पूरा बंद हो चुका है। अब आपको बता दें, इस तरफ जाएंगे आगे गांव की तरफ चलें, दूसरा गांव जो पड़ता है उस तरफ का जो रेलवे क्रॉसिंग है पूरी तरीके से बंद है, और इस तरफ के गांव का जो दूर की दूरी आपको बता दें मणियाओं के अंदर का या उसके बाद का, उधर का भी रेलवे क्रॉसिंग बंद है। उसके पीछे का कारण मुख्य ये होता है कि कई मामले ऐसे देखने को मिले हैं जो ग्रामीणों द्वारा बार बार FIR दर्ज किया जाता है रेलवे के ऊपर कि फलाना आदमी मर गया, ढिमकाना आदमी मर गया, वहाँ पर मर गया और इसका मुआवजा दीजिए, ये कारण रहा है। हमने DRM से और रेलवे विभाग से, रेल मंत्रालय से भी इसका कारण पूछा तो उन्होंने यही स्पष्ट जवाब दिया है कि ग्रामीणों द्वारा बार बार FIR किया जाता है, इस वजह से जगह जगह जो रेलवे ट्रैक है, जो पॉइंट है उसको खोद कर ख़त्म कर दिया जाता है। फिलहाल ये जो ट्रैक देख रहे हैं अभी यहाँ सुरक्षित है, बताया ये जा रहा है यहाँ पर, कोई हो सकता है कुछ लोगों से हम पूछे, कुछ लोग जवाब दे, कुछ लोग मुकर भी जाएँ, लेकिन हमें ये सूचना मिली है यहाँ पर जो सामने देख रहे हैं, यहाँ के लोगों द्वारा कुछ 10-10 रुपये 20-20 रुपये इकट्ठा करके सामने वाले जो कर्मचारी हैं उनको दिया जाता है, जो फाटक खोलते हैं बंद करते हैं उनको दिया जाता है, ऐसा सुनने में आया है। फिलहाल इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, फिलहाल हम कोशिश करेंगे पूछने के लिए, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा सूचना मिला हुआ है कि 10-10 रुपये 20-20 रुपये देकर ये फाटक बंद करने के लिए पैसा दिया जाता है ताकि काम चल सके। गवर्नमेंट इस पर संज्ञान पूरी तरीके से नहीं ले रही, हमारी केंद्र सरकार इसमें केंद्र जो है BJP में है, और इससे पहले जो हम इसका आख्या साफ कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो पहले रहता था, जो रेलवे ट्रैक होता था, जो अंग्रेजों के समय बैठा हुआ था, ये न्यू जनरेशन का रेलवे ट्रैक बैठा हुआ है, नए जनरेशन का, तो इस पर क्या हुआ है, जब से ये बैठा है उस बैठाने के दौरान में इसको पूरी तरीके से गाँव गाँव का पूरा बंद कर दिया गया है। क्या पहले सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, क्या पहले जाओ जो ये रेलवे ट्रैक का सिस्टम था, ये लोग यहाँ से गुजरते थे, बार बार आ रहे थे जा रहे थे, क्या वो आ नहीं जा रहे थे, और क्या यहाँ ट्रैक्टर नहीं गुजर रहा था? तमाम ऐसे सवाल हैं जो सरकार इस सवालों से अपना मुंह मोड़ लेती है, जवाब देने का प्रयास नहीं करती, उनके कर्मचारी भी जवाब देने का प्रयास नहीं करते हैं, किस तरीके से जनता को समस्या होता है रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के लिए, जिस तरीके से यहाँ रेलवे बैरिगेटिंग का यह फाटक लगा हुआ है देख सकते हैं, बंद करने के लिए, खोलने के लिए, और यहाँ पर क्लोजअप के यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर ऑफ करने के लिए। इसी तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह रास्ते हैं, 14 गांव, 15 गांव, 10 गांव वो बंद हो रखे हैं, इसी तरीके से हर जगह लगना चाहिए। इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि अलग से कर्मचारी का चयन करके एक भर्ती आयोग तैयार करे, जिससे उसमें योजनाओं में बेरोजगारी योजनाओं का भी लोगों को लाभ मिल जाएगा, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा हैं इस पर नौकरी करके अपना कुछ आमदनी कर सकते हैं और नागरिकों को इसका लाभ मिल सकता है। सांसद विधायक किस तरीके से 5 साल नौकरी करके, 5 साल यहाँ पर नौकरी एक तरीके से करते हैं, जीतते हैं, 5 साल रहते हैं, जीतने के बाद उनका कार्यकाल खत्म होता है, 5 साल के बाद इनको पेंशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह लगा दिया जाए तो कितना बेहतर होगा। हम सभी लोगों से यही कह रहे हैं कि जन समस्याओं को हम बार बार उठाने का प्रयास करते हैं, जबकि ये रेलवे जो ट्रैक है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, इसको केंद्र
सरकार हैंडल करती है, उनके कर्मचारी हैंडल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लाल लगा हुआ है, यानी कि अभी गाड़ी वहाँ पर वाहन यहाँ पर क्रॉस नहीं किया जा सकता, कोई वाहन कोई यहाँ पर कोई ट्रेन क्रॉस नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर लाल लगा हुआ है। ज़रूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कुछ न कुछ ज़रूर दिक्कत है या मेंटेनेंस होगा या कोई गड़बड़ी होगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर जब भी चलें और स्लो फास्ट का जगह जगह लगा होता है वो उसलिए होता है ताकि गाड़ी सिंबल को देखे, सिंबल को देखने के बाद गाड़ी आराम से स्लो करें और क्रॉस कर जाएं। ये पब्लिक बाहुल्य क्षेत्र है, कृपया जगह जगह ऐसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। जगह जगह जो जागरूक हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। और इसी तरीके से जो फाटक लगा हुआ है, बार बार सरकार गवर्नमेंटों को कहना चाह रहा हूँ, सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर फाटक लगा हुआ है वैसे बगल के गांव का जो रास्ता जा रहा है उन पर भी लगना चाहिए, और उस बगल के गांव का जो रास्ता है उस बगल भी लगना चाहिए। हालांकि अभी तक कोई इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा है, न कोई हमारे संबंधित मित्र पत्रकारों से निवेदन है आकर ऐसी बातों को उठाएं जो जन समस्याओं का निवारण हो सके। कोई पब्लिक बोले ना बोले लेकिन मतलब यही है, जगह जगह ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए ऐसे ऐसे फाटक लगने चाहिए। कई लोगों ने कहा ये केंद्र का सरकार का वो हिसाब किताब है, आप मत बोलिए, बीच में मत करिए, लेकिन हमारा काम है पत्रकारिता करना, किसी की चाटुकारिता करना नहीं, लेकिन उसी चीज़ को हम दिखा रहे हैं ताकि पब्लिक इस चीज़ को देखे और सरकार देखे। हम उनको सजेशन भी दे रहे हैं कि जगह जगह फाटक ऐसे लगाइए, कम से कम दो कर्मचारी निर्धारित रखिए जिससे किसी घर का बच्चा जो गरीब घर का बच्चा हो उसमें यहाँ पर उसको जो शिक्षित हो उसमें इसका चयन करवाइए और ये फाटक बंद करेगा खोलेगा, उनको कम से कम 25 से 30 हज़ार निर्धारित वेतन दो। यही निवेदन करना चाहता हूँ। और आगे की तस्वीर यहाँ पर भुलईपुर की तरफ जा रहा है फिलहाल, और यहाँ पर आइए पूछते हैं थोड़ा सा क्या हिसाब किताब है यहाँ का। और ये फाटक का पॉइंट है, देख सकते हैं ये सुजनीपुर रेलवे स्टेशन से कुछ ही बात का है, और यहाँ पर देखते हैं कि कोई है मौजूद या नहीं है। संपार गेट पर अवरोध होने की दशा में पटाखा लगाने की प्रक्रिया, जो इसका सिंबल समझ सकते हैं किस तरीके से रोका जाएगा, फाटक को बैठा जाएगा, लौटते समय जाते समय किस तरीके से है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोई है जी? अभी तो यहाँ पर कोई है नहीं यहाँ पर हैंडल करने के लिए इस जगह पर, अब पता नहीं, दिखा दीजिए, कोई नहीं है यहाँ पर। और फिलहाल क्या हिसाब किताब है भगवान जाने, अब स्पष्ट हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते। आइए, यहाँ पर अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी केंद्र सरकारों से कि ऐसे ही फाटक हर जगह लगाइए, वहाँ पे कम से कम दो कर्मचारी निर्धारित कीजिए, किसी बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, शिक्षित घर का किसी गरीब घर का सिलेक्शन करवाइए, यहाँ पर जगह 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 भर्ती करवाइए जिससे जन समस्याओं का समाधान हो सके। और जब उनको नौकरियाँ मिलेंगी जो लोग फाटक बंद करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है फाटक बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, ऐसे जगह जगह पर आप लोग लगवाइए, उन गरीब घरों को जो शिक्षित हैं बच्चे उनको नौकरी दीजिए आप लोग, उनकी भर्ती करवाइए जिससे जन समस्याओं का समाधान हो सके। फिलहाल यहीं पर, अभी हम वहाँ पे अंदर गए थे, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं रहा, फिर फिलहाल उनसे पूछते कौन है, क्या है, कहाँ का है, कैसे है, वो हिसाब किताब। एक बात सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो फाटक है बंद होता है चालू होता है, दुकानदार कुछ पैसे देते हैं 10-20? ना, ये सब कौन गलत बात है, सब सरकारी जाके पूछ ले, सब सरकारी है ना, लोग गलत कर रहे हैं, है ना, देख ले, पता करवा ले, डाले है ही नहीं कोई साहब है नहीं है। अब इसने ट्रेन समय चलत ना बाटे, ट्रेन बंद भवा, लेकिन अच्छा। बराबर ड्यूटी सब देते हैं, बराबर ड्यूटी, हाँ जाई देख, अच्छा सब सरकारी है, बोलो ही बा ही तुरंत सब नहा धो जाए। अच्छा, चलिए आइए हम थोड़ी सी उसकी पुष्टि करते हैं। लोग अफवाह किस तरीके से फैलाते हैं उस पर आप लोग विश्वास मत करिएगा, शायद ये कर्मचारी का कोई घर, उनका आवास जो मिला है सरकारी सरकार की तरफ से मिलता है, उन आवास है उनका। और देखिए बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराहट के साथ इधर चल रहे हैं। एक बात बताइए, एक अफवाह उड़ रही है यहाँ पर इस जगह पर, लोग कह रहे हैं कि जो कर्मचारी है यहाँ पर दुकानदार 10-20 रुपए दे के अपना अपने पैसे पे खर्च कराते हैं या करते हैं, ऐसा कुछ है? हमें तो नहीं लगता क्या, 1% भी
ऐसा कुछ नहीं है ना, किसी से कोई मतलब नहीं। नहीं वो रिश्वत वाली बात नहीं है, मतलब कि कोई प्राइवेट रख के अपना खुद कर रहे हैं ऐसा कहना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। पूछ लीजिए जाके, नहीं आप कहेंगे हमें, आप जाके पूछिए कोई ऐसा कुछ है तो हम भी अभी उन लोगों से पूछते हैं ऐसा, ठीक है। देखिए किसी अफवाह में आप लोग मत रहिए, कर्मचारी हैं, अभी तो रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से बंद है फिलहाल, ये सबको पता है क्योंकि अभी काम चल रहा है आगे की तरफ, है ना। और ये कर्मचारी हैं बहुत साल का, शायद आप बहुत साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग काम नहीं, बहुत नौकरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रहा है उसे, बढ़िया सब तक आकर। चलिए ठीक है, ये कर्मचारी थे, इन्होंने पुष्टि कर दी ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि लोग कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। कृपया कोई भी अस्पष्ट चीज जानने से पहले हम सोचते हैं कि ग्राउंड में जाकर हकीकत जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, कि ताकि पूरा मामला समझ में आए, लोग किस तरीके से अफवाह उड़ाते हैं। कृपया आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, नहीं हाँ लिख लें 8920। तो ये समस्या है, अब ये भी बोल बता दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं पूछा उनसे तो ये भी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, मुझे पूरा भरोसा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग क्या कहते हैं उस पर आप लोग अफवाहों पर कभी मत जाइएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, पैसा देने लेने का काम है कि नहीं। और फिलहाल मैं यहीं पर वीडियो को एंड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है आइए थोड़ा सा आगे की तस्वीर दिखाते हैं, और सरकारों से निवेदन करना चाहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सही काम कर रही है और यहाँ पर बैरिगेटिंग लगाए रखी है, उसी तरीके से हर गांव की तरफ बैरिगेटिंग लगाए और वहाँ पर कर्मचारी को ही नियुक्ति करे, जो गरीब घर से हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, जो अच्छे शिक्षित हैं, उनकी नियुक्ति करें। फिलहाल देखते रहे जौनपुर न्यूज़, मनीष कुमार के साथ, जय हिंद जय भारत।